दिल्ली के वेलकम में बाइक सवार बदमाशों की फायरिंग, नदीम नामी शख्स की मौके पर ही मौत वाक़े हो गई। दिल्ली में जराइम के वाक़ात में कमी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वेलकम के इलाके एक बार फिर फायरिंग का वाक़ात सामने आया। यहां मुजरिमों ने एक नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मुजरिमान की तलाश शुरू कर दी है। वाक़े के बाद से पूरे इलाके में खौफ हरास का माहौल है। शुमाली मशरकी दिल्ली के वेलकम पुलिस स्टेशन के तहत कबीर नगर इलाके में तीन मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने स्कूटर पर घर जा रहे तीन दोस्तों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में दो नौजवान जख्मी हो गए, जिसके बाद बदमाश अपनी बाइक छोड़कर नौजवान की स्कूटी लेकर फरार हो गए। जख्मियों को ZTB अस्पताल ले जाया गया, जहाँ एक नौजवान को डॉक्टर ने मुर्दा करार दे दिया। जान भाग नौजवान की शिनाख्त नदीम के नाम से हुई है। बताया जा रहा है कि नदीम का जींस का कारोबार है। जुमे की रात देर गए 1 बजे वो अपने दो दोस्तों के साथ फैक्ट्री से घर खाना लेने जा रहा था। उसके बाद उसके घर के करीब कबीर नगर गली नंबर 7 में बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने एक के बाद एक दीगर उस पर कई राउंड फायरिंग गोलियां चला दी। इस फायरिंग में नदीम और उसका एक साथी गोली लगने से शदीद जख्मी हो गए। वाकये के बारे में मालूम देते हुए DCP दिल्ली नॉर्थ ईस्ट राकेश पवारिया ने कहा कि रात के वक्त वेलकम एरिया में एक वाकया पेश आया, जिसमें नदीम नामी शख्स के माथे और जिस्म के निचले हिस्से पर गोली लगी और इसकी मौत हो गई। उनके साथ मौजूद एक और शख्स शाहनवाज को भी पैर में गोली लगी। मजीद तफ्तीश जारी है। बताया जा रहा है कि वेलकम फायरिंग में फौत होने वाले नदीम जींस की फैक्ट्री का मालिक है। नदीम को कत्ल करने के बाद मुलजिमान मोटरसाइकिल छोड़कर मकतूल की स्कूटी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए।